कल से शुरू होगा नवरात्रि का पर्व। इस बार 9 दिन की जगह 8 दिन की होगी नवरात्रि। तृतीय एवं चतुर्थी एक ही दिन होने के कारण 8 दिनों की नवरात्रि में 9 देवियों की जाएगी उपासना। नवरात्रि के पहले दिन होगी माँ शैलपुत्री की पूजा। आपको बता दें कि शक्ति की आराधना के पर्व शारदीय नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार से होगी। इस बार माता रानी डोली पर सवार होकर आ रही हैं। नवरात्रि में श्रद्धालु माता रानी की आराधना करेंगे। शहर में जगह जगह आकर्षक पंडाल सजाकर माँ दुर्गा की स्थापना की गई है। आपको बता दें कि इस बार नवरात्रि का समापन 14 अक्टूबर को होगा। इसी प्रकार दशहरा पर्व 15 अक्टूबर को मनाया जाएगा। शहर में जगह जगह मूर्तिकार माँ दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम आकार देने में जुटे हुए हैं। इसी प्रकार चौक चौराहों पर अनेक स्थानों पर आकर्षक पंडाल सजाकर विद्युत साज सज्जा की जा रही है। हम आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते इस बार भी नवरात्रि पर्व के अवसर पर मंदिरों में लोगों की भीड़ ना लगे, इसके लिए जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार मंदिर के पट सुबह 4:30 बजे खुल जाएंगे, जो भक्तों के लिए सुबह 8 बजे तक के लिए खुले रहेंगे। वहीं रानी तालाब मंदिर में माता के दर्शन कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए ही भक्त कर सकेंगे। रीवा शहर के रानी तालाब में स्थापित माँ कालिका मंदिर लोगों के आस्था का केंद्र है। ये मंदिर, हम आपको बता दें कि रानी तालाब का ये मंदिर करीब 450 वर्ष पुराना है। पहले ये मंदिर रीवा राज परिवार के अधीन था, लेकिन अब जिला प्रशासन के अधीन है। मंदिर की सारी व्यवस्थाएं अब जिला प्रशासन द्वारा की जाती हैं। माँ कालिका पर लोगों की आस्था है और यहाँ रोजाना सैकड़ों भक्त माँ के दर्शन करने पहुँचते हैं। नवरात्रि के समय यहाँ भक्तों की भीड़ लगती है। हालांकि पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के चलते अब मंदिरों की रौनक कुछ कम हो गई है। गाइडलाइन के चलते भक्तों की संख्या में कमी आई है। इस बार भी जिला प्रशासन ने मंदिरों के लिए गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार मंदिर हमेशा की तरह खुलेंगे, लेकिन भक्त 8 बजे तक ही दर्शन कर सकेंगे। गर्भगृह में पुजारी के अलावा कोई भी नहीं जा सकता और ना ही जल चढ़ा सकता है और ना ही पहले की तरह मेला लगेगा। साथ ही प्रशासन द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन का भी पालन करना अनिवार्य होगा। प्रस्तुत है रानी तालाब के प्रधान पुजारी देवी प्रसाद से प्राप्त जानकारी के अंश। मंदिर नवरात्रि आने वाली है जी। क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और गवर्नमेंट की तरफ से क्या आदेश आए हैं कोविड प्रोटोकॉल को लेकर? देखिए, इसमें तो पहले में जो है तो माँ की स्तुति कर देते हैं, इसके बाद जो है इसके बारे में बताते हैं। शुक्लां ब्रह्म विचार पदमा माढ्यां जगत व्याक्तने वीणा पुस्तक धारिणी भैराम जाड्यापहां या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संसिता नमस्तस्य नमो नमः। बोलिए कालिका मैया की जय। देखिए, ये माँ काली रानी तालाब का सर लगभग 450 वर्ष पुराना स्थान है। इसका संचालन पहले जो है राजघराने द्वारा किया जाता था, आज जो सरकार द्वारा जो है इसका पूरा संचालन देखा जाता है। और ये कोविड-19 को देखते हुए जो है शासन की जो नई गाइडलाइन आई है, इसमें मंदिर खुलने और बंद होने का समय है, सुबह 4:30 बजे खुलेगा और 4:30 बजे आरती होगी। मेन गेट जो है 4:30 बजे खुलेगा और 4:30 बजे माई की आरती होगी, तो 1 बजे तक निरंतर जो है तो चलते रहेंगे। और शाम को 4 बजे खुलेगा और रात को 8 बजे तक, मेन गेट 8 बजे बंद हो जाएगा। और घर के अंदर जो है किसी भी व्यक्ति के लिए आदेश नहीं रहे, न जल चढ़ाया जाएगा, केवल दर्शन फूल माला इत्यादि ये लेके आए लोग आएँ और प्रसाद चाहें, बस इतना केवल जो है गाइडलाइन नहीं है। दुकानें भी नहीं लगाई गई मंदिर में, सजावट भी नहीं। हाँ, इस बार जो है तो नगर निगम को दे दिया गया है लाइट के, तो मरकरी लाइट वो लगाएगा अपना, और PHU विभाग, वन विभाग और जितने अपने शासकीय डिपार्टमेंट है वो अपने अपने कार्य में सब असगे, तो सब यहाँ पर जो तो वन विभाग से जाली आ गई है, जाली लग रही है, पानी की व्यवस्था भी होगी यहाँ पर जो हो तो। और शासन द्वारा जो हो तो जो भी गाइडलाइन पूर्व की थी हमारी 20 वाली, वही गाइडलाइंस में अभी चलेगी। मेला को लेकर क्या है? मेला को लेकर के बाहरी दुकानें नहीं लगाई जाएंगी, जो यहाँ की पूर्व की दुकान लगी हुई है वही दुकान रहेगी।
वहीं संबंध में कलेक्टर रीवा डॉक्टर इलैया राजा टी ने बताया कि नवरात्र एवं दशहरा त्योहारों के चलते शांति समिति की बैठक के साथ साथ आपदा प्रबंधन समिति की बैठक भी हुई, जिसमें गणेश उत्सव पर जिन कोरोना प्रावधानों में छूट दी गई थी वो प्रावधान नवरात्र के समय भी लागू रहेंगे और कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ही नवरात्रि एवं दशहरा के पर्व मनाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि शासन द्वारा जो भी छूट या प्रावधान प्रदेश में किए जाएंगे वो इस दौरान यहाँ भी लागू होंगे। साथ ही कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी से प्राप्त जानकारी के अनुसार लगातार है ना हमारे यहाँ त्यौहार का सीजन चालू हो रही है, नवरात्रि, रामनवमी, दशहरा और आगे भी है, उसका लेकर आज शांति समिति की बैठक भी, जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक भी आयोजन किया गया है। उसके साथ साथ आपदा प्रबंधन है ना कमेटी है, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है, उस कमेटी का भी है ना साथ साथ में आज है ना मीटिंग आयोजन किए गए हैं। उसमें आज है ना बहुत है ना मुख्य निर्णय लेंगे, बट गणेश चतुर्थी के समय पे हम लोगों ने कितने भी कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए निर्देश जारी किए वो पूरा है ना अभी भी लागू है। उसके अलावा अभी कोई शासन से है ना कोई भी निर्देशों में है ना छूट देने के लिए कोई भी प्रावधान होगा मतलब उसको ऊपर भी देंगे, जैसे कि है ना कल है ना आए हैं कुछ डीजे के लिए हम लोग है ना छूट दिया जा सकता है एक, बट फिर भी है ना मतलब बंडाल और मूर्ति और विसर्जन मतलब है ना इसके लेकर है ना मतलब हम लोगों ने गणेश चतुर्थी के समय पे है ना मतलब कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए किन निर्देशों का पालन करना था वही निर्देश है ना यहाँ भी है ना लागू रहेंगे। सेम तो पूरा मध्य प्रदेश का है ना एक जैसे ही है ना नियम है ना लागू है, यहाँ भी है ना 10 बजे तक है ना गरबा के लिए है ना छूट दिया गया है, वो नियम यहाँ भी लागू होंगे।